उसमें एक क्या नाम एक बहुत सर बोल के है, एक है शशि सर, एक है और एक चौका सर बोल के है। डुप्लीकेट पेपर बना लिया सर, उन्होंने पूरा डुप्लीकेट काम है, पूरा इलीगल काम है। हम किसी को लिख के नहीं दिए, हम प्रॉपर्टी हमारी है, हम साहबों की ज़मीन है। वो अगर कोई ज़मीन लेंगे उसका जिम्मेदार उन्हें को दूंगा, हम तुम्हें इलीगल जो है तो कब्जा कर लिए और नाम है शशि और चौकत, और ये तीनों भी जो है सो कब्जा कर लिया और जो है इलीगली जो है सो ज़मीनों को भेज दे। सर्वे नंबर 60, 61, 62। कब से बेच रहे हैं, कितने दिन से बेच रहे हैं ज़मीन? ये कम से कम 2 साल से बेच रहे हैं, जो सो बोल के बिक जा रही हम लोगों को, जो तो हमारा हक नहीं मिल रहा। तुम रहमतुल्लाह बरकात, हमारी अपील ये है साहब, हम 2 साल से फिर रहे हैं या इसी ऑफिस में, तहसील ऑफिस में, ये इसी ऑफिस में, यहाँ पर हमारे को क्या है, खाली वो हमारे ज़मीनों में कुछ काम और रुके हुए हैं। ज़मीन का नाम है घोरनली बी बाग इब्राहिम, सर्वे नंबर है 61, 62, 63। ये उसके पेपर्स है हमारे पास, हम ये कार्रवाई कर रहे हैं, मगर हमारे को यहाँ से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा। 2 साल से हमारे को आओ जाओ जाओ कर रहे हैं, खाली डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहे हमारे को। ओमकार बोल के भी फाइल वैसे हटा दिया उन्होंने, सस्पेंड कर दिया। करते सस्पेंड करने से हमारे को क्या है साहब, वहाँ प्रॉपर्टियाँ बिक जा रही, फिर लोग प्रॉपर्टी के जो बिक रही है वो काम रुका दीजिए आप। क्यों? इस वजह से, इस वजह से क्योंकि जो भी होगा काम हो बाद में देख लेंगे। फिर फिलो करता हूँ वहाँ की जो प्रॉपर्टी बिक रही है, प्लाटिंग करके बेच दे रहे हैं वहाँ पे, समझे आप, नाजायज कब्जे कर लेके। हम किसी को किराए पे दिए थे। कहाँ पे है प्रॉपर्टी? ये देखिए आप, घोरनली बी बोल के बाग इब्राहिम है, सर्वे नंबर है 61, 62, 63। यानी वो आपकी प्रॉपर्टी है? हाँ, हमारी, हमारे साहिबों की जमीन है। तो दूसरा जन कैसा बेच रहे हैं इसको? ये हम किसी को किराए पे दिए थे साहब, किराए पे लेके क्या करें, उन लोगों दूसरों को बेच दिया। दूसरे क्या करें, बल्लभपा सैदप्पा बोल के थे उन लोग, उनके बच्चे क्या करें बेच दे रहे हैं दूसरों को। अब दूसरे क्या करें, तीसरों को बेच दे रहे हैं। उनके पास पेपर तो कैसे है बेचने का, क्या बेस पे बेच रहे हैं? डुप्लीकेट पेपर बना लिया सर उन लोगों, पूरा डुप्लीकेट काम है, पूरा इलीगल काम है। हम किसी को लिख के नहीं दिए, हम प्रॉपर्टी हमारी है, हम साहिबों की ज़मीन है। वो अगर कोई ज़मीन लेंगे उसका जिम्मेदार उन्हें को दूंगा, हमको नहीं बोलना बाद में कि हम आके नहीं बोले बोल के आप। अच्छा, ये ज़मीन इनामदार क्या पट्टा ज़मीन थी? इनामी ज़मीन है हमारी, साहिबों की ज़मीन है सर, पूरा ये पूरे साहिबों की ज़मीन है ये तकरीबन, हमारे ये दादा परदादा सकर दादा की ज़मीन है हमारी। कब से बेच रहे हैं इन लोगों इलीगल? ये इलीगल 2 साल से तो फिरा रहे हैं सब हमारे को, इलीगल तो 3 साल से 4 साल होगा समझा, 2 साल तो यहाँ पे हम आपकी समझ कर रहे हैं। अभी बेचेंगे किसी को ज़मीन वो? हम उन लोगों बेच दे, हम किसी को नहीं दिए सर। नहीं, उन लोगों जो आप बोल रहे हैं, हम लोग पट्टेदार हैं, दूसरों को बेच दिया, दूसरे क्या कर रहे हैं, तीसरों को बेच दे रहे हो, ऐसा हो जा रहा। अब उसमें एक क्या नाम देखिए, बहुत सर बोल के है, एक है शशि सर, एक है और एक शौकत सर बोल के है, 3 जने उन लोगों से ले लिए, वो काशकारों से, मल्लभपा सैदप्पा के बच्चे है, वो पुत्रे नवाज से ऐसा है उन लोगों, उनको बेच दिया, उनको बेच दे रहे, ऐसा कर रहा हूँ। फिर लोग काम तो रुका ही, आओ फाइल मिलने के बाद जो भी कार्रवाई करेंगे। अभी तहसील में आगे क्या बातचीत हुई आपकी? अभी हम अंदर ऑफिस में कहते हैं सर, हमारे को ये बोल रहे हैं कि वो उसको सस्पेंड कर दिया, सस्पेंड करने से हमारा मसला हल नहीं होता ना सर, हमारे को ये होना है, हमारी प्रॉपर्टी हमारे को होना है। किसको सस्पेंड करें? ये ओमकार को सस्पेंड कर दिया, ओमकार क्यों करें सस्पेंड? ये पेपर उनको हटा दिया यहाँ से बोल के। तहसील में अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहु, मैं कर्नाटका बिदर घोरनली कार्ड 60, 61, 62 बिदर डिस्ट्रिक्ट की ज़मीन है ये, घोरनली की। ये ज़मीन पे इलीगल जो है सो कब्जा कर लिए और नाम है शशि और शौकत, और ये तीनों भी जो है सो कब्जा कर लिया और जो है इलीगली जो है सो ज़मीनों को बेच दे रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट से ये अपील है कि ये ज़मीनों को जो है सो जो भी बेच रहे हैं रुका दिया जाए, और जो है सो गवर्नमेंट का कोर्ट का ऑर्डर जब तक ये नहीं आया, जब तक ये जो है सो ज़मीन बिकना नहीं, और जो भी ज़मीन ले रहे हैं उन लोगों जो है सो बाद में जो है सो पछताएंगे कहीं को बोले तो ज़मीन कोर्ट का ऑर्डर ही। अभी ज़मीन का पूरा पेपर आपके पास मौजूद है वो? जी हो, तो फिर पेपर पूरे आपके पास रहने के बाद उन्होंने बेचने का सा फाइल जो है सो एक फाइल ओमकार के पास है, ओमकार नहीं दे रहा, ओमकार जो है सो धमकिया दे रहा और पैसे जो है सो इतने देता हूँ उतने देता हूँ बीच वालों को जो है सो बोल दे रहा। ओमकार पे जो है सो ना तो कर्नाटक की हुकूमत जो है सो ओमकार पे कुछ तवज्जो दे रही नहीं, जो है सो उल्टा जो है सो ओमकार से डर रही क्या, ओमकार कौन है बोल के, ओमकार तो खाली जो है सो कोर्ट पे ऑलरेडी FIR हुआ बोल रहा ना, FIR जो FIR तो कुछ भी नहीं होता सर, एक्शन ले रहे कुछ भी, और रहा सो दूसरों के भी फाइल हैं रखे हुए, ऐसा रहा तो कैसा होगा, जो सो ज़मीना है लोगों के जो सो और हमारे भी ज़मीना है, 2 साल से जो सो कोर्ट में फिर रहे हैं, पैरा घसे जा रहे हैं, जो सो काम कुछ भी नहीं हो रहा। तो क्या काम होना चाहिए अभी आपका, क्या ज़मीन पर जो सो जो जो भी ज़मीन ले रहे हैं वो ज़मीन को जो सो रोक दिया जाए, कोर्ट का ऑर्डर आए तक। और एक बार बोलिए कहाँ पर ज़मीन है?
बोरनली बी हाँ बागे इब्राहिम। तो कब से बेचा जा रहा है जमीन को? सर्वे नंबर 60, 61, 62। कब से बेच रहे हैं, कितने दिन से बेच रहे हैं जमीन ये? कम से कम 2 साल से बेच रहे हैं। 2 साल से बेच रहे हैं जो। और वहाँ पर जो सो रूलिंग भी काम चल रहे हैं जो सो सब सही जमीन बिक जा रही आसानी से जो सो लीडरों के हाथ में जो सो बोल के बिक जा रही। हम लोगों को जो सो हमारा हक नहीं मिल रहा।